नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उनके सक्सेना। नजर डालते हैं इस वक्त के सुप्रभात राजस्थान की ओर। गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात बिपरजॉय बेहद खतरनाक हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार की शाम 4 से रात 8 बजे के बीच कच्छ के जखो पोर्ट पहुंचेगा। इस दौरान हालत बेहद खराब हो सकते हैं। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि चक्रवात बिपरजॉय सौराष्ट्र कच्छ की तरफ बढ़ रहा है। यह जखाऊ से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाओं की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी चल रही है और जल्द ही यहां आने की संभावना है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि बिपरजॉय चक्रवाती तूफान से बचाव को लेकर के राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। किसी भी हालात से निपटने के लिए SDRF की 17 टीमें नियुक्त की गई हैं और 30 टीम रिजर्व में है। जहां कहीं भी इसकी जरूरत होगी वहां भेजा जाएगा। शर्मा को बुधवार को सचिवालय में बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के असर से राजस्थान को बचाने के लिए जिला कलेक्टरों की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। पत्नी और दो बेटियों की हत्या के आरोप में जेल में बंद एक कैदी अब फंदा लगा करके सुसाइड कर लिया। बैरक में आरोपी मुन्नाराम गुर्जर का शव लटके हुए मिला है। मामला नागौर जिले के पर्वतसर जिले का बताया जा रहा है और आरोपी मकराना के पास दिलधाणी गांव का रहने वाला था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने मंगलवार रात को ही बैरक में फंदा लगा करके अपनी जान दे दी। भारत सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा काम कोविड वैक्सीनेशन का किया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाने वाला भारत ही है। निश्चित रूप से कई लोग हितैषी रिश्तेदारों को हमने कोविड काल में खोया है, लेकिन जल्द टीकाकरण के कारण कई लोगों की जान भी बच गई है। निश्चित ही भारत सरकार का यह सबसे बड़ा और साहसी काम गिना जाएगा। सुप्रभात राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बताइए, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।